Good morning students. So today I am back with another video and today we are starting lesson number 12, ratio and proportion. So in the previous video we finished chapter number 11, explanation, and in this video we will complete chapter number 12. So ratio and proportion. What is the meaning of ratio and proportion? Comparison by taking difference. Yani ki abhi hum pehle जो हमें जो चैप्टर का नाम है रेशियो और प्रोपोर्शन इसे समझना है, तो इसे समझने का बेस्ट वे है इसका कंपैरिजन करना. और कंपैरिजन कैसे करेंगे? दोनों के डिफरेंसेस के बेसिस पे, कि दोनों में क्या अंतर है वो जब हम पता करेंगे तो हमें इनके बीच का जो इन दोनों वर्ड्स का जो मतलब है वो हमें मालूम पड़ जाएगा. फॉर कंपेयरिंग क्वान्टिटीज ऑफ द सेम टाइप वी कॉमनली यूज द मैथड ऑफ टेकिंग डिफरेंसेस. ओके, ऑफ टेकिंग डिफरेंसेस बिटवीन द क्वांटिटी. यानी कि हमें जब भी कोई क्वांटिटी को कंपेयर करना होता है किसी भी टाइप का, तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंस पता करने के लिए. सम टाइम द कंपैरिजन बाय डिफरेंस डज नॉट मेक बेटर सेंस देन कंपैरिजन बाय डिवीजन. यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी दो चीज़ों को, तो उसके जो डिफरेंस है वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है जब तक कि हम उसका डिवीजन करके कंपैरिजन नहीं करें. ठीक है, कंपैरिजन बाय डिवीजन. अब इसका क्या मतलब है जरा हम अब ये समझ लेते हैं जो हमने अब वर्ड पढ़ा, कंपैरिजन बाय डिवीजन. सो इन मैनी सिचुएशन अ मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज इज मेड बाय यूजिंग डिवीजन. By seeing how many times one quantity is to the other quantities, this method is known as comparison by ratio. यानी कि जो हम बहुत से सिचुएशन में जहाँ वो मतलब कि हम जब कंपेरिजन करते हैं क्वान्टिटीज़ का डिवीजन, ये जो हमने मैथड ने लिखा है कंपेरिजन बाई डिवीजन, ये जो मैथड है, तो हमें और मीनिंगफुल कंपैरिजन मालूम पड़ता है कि ओके इन दोनों में ये डिफरेंस है या फिर इसकी इतनी क्वांटिटी है. ठीक है, तो बाय सेइंग हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज टू द अदर क्वांटिटी, दिस मेथड इज नोन एज कंपैरिजन बाय रेशियो. द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज नोन एज द रेशियो. यानी कि रेशियो का अब यहाँ पर हम जो मीनिंग है ओके वो हम देखने जा रहे हैं. तो क्या है, द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स आर क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज नोन एज द रेशियो. सिंबल इज यूज टू डिनोट रेशियो. यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो भाई वन रेशियो टू, राइट. तो ये क्या है, ये आपने कभी ना कभी अपने मैथ्स बुक में ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि आपने ऐसा कुछ रेशियो टाइप का कुछ ऐसा देखा होगा. तो ये क्या है, ओके 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 या ओके आई थिंक वहाँ पे पेज का एंडिंग है तो श्योर. सो ये क्या है, ये जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप ये वन देख पा रहे हो तो वन क्या है, वन, और ये जो टू है ये क्या है, ये क्या है, ये है नंबर. और बीच में जो ये आप देख रहे हो साइन, ये और ये जो साइन है ये क्या है, ये एक सिंबल है जो कि रेशियो हमें बताता है कि हाँ अब हम जो नंबर देख रहे हैं वो रेशियो में डिवाइडेड है. ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं कंपैरिजन बाय डिवीजन. ये एक टाइप का डिवीजन है जिसे हम रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और हमें यहाँ पर प्रॉपरली समझ में आता है. ठीक है, इसके बाद थोड़ा हम और आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. राइट, फॉर कंपैरिजन बाय रेशियो द क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट. इफ दे आर नॉट दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट बिफोर द रेशियो इज टेकन. तो ये बेसिक सी बात है कि आपको अगर उस कंपैरिजन करना है रेशियो में तो आपको दोनों क्वांटिटी की जो यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए, और उन दोनों को एक्सप्रेस करने से पहले आपको ये अगर नहीं किया हुआ है तो करना पड़ेगा.
अब हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अब हम समझने जा रहे हैं कि रेशियो कैसे फॉर्म होता है और उसे हम कैसे फॉर्म करते हैं. ईशा वेट इज़ 25 kg एंड हर फादर वेट इज़ 75 kg. वी से दैट ईशाज़ फादर वेट एंड ईशाज़ वेट आर इन द रेशियो 3:1. द सेम रेशियो में ऑकर इन डिफरेंट सिचुएशन. नोट दैट द रेशियो 3:2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 2:3. दैट इज द ऑर्डर इन विच क्वान्टिटीज आर टेकन टू द एक्सप्रेस द रेशियो इज इम्पॉर्टेंट. यानी कि अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईशा के जो फादर हैं वो उनका वेट कितना है, उनका है 75 और जो ईशा है उसका 25 kg. तो अब एक बार गौर करना कि टेबल अब हम एक बार रीड करते हैं. तो 25 1 25, 25 2 50 और 25 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 75. तो ईशा के पापा 3:1 और ईशा कितनी है 1, यानी 25 1 25 1. समथिंग कुछ आइडिया आया अभी क्या हुआ यहाँ पर? सी 3:1 यानी कि ईशा जो है उसके फादर का जो वेट है उसका सिर्फ 1 है. यानी कि 25 को अगर आप 3 से करोगे यानी 25 into 3, ठीक है, तो क्या होगा 75. तो समथिंग यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये जो बना है यहाँ पर कुछ रेशियो इस तरीके से है. ये जब आप फिजिकली हम क्लास में फिर से जब आएंगे तो हम नेक्स्ट ईयर जब आप 7th में आओगे तो और अच्छे से इसके बारे में हम कवर करेंगे. द सेम रेशियो मे ऑकर इन डिफरेंट सिचुएशंस. नोट दैट द रेशियो 3:2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 2:3. यानी कि ये जो 3:2 है और 2:3 है इन दोनों में बहुत का डिफरेंस है. ओके, दस द ऑर्डर इन विच क्वान्टिटीज आर टेकन टू द एक्सप्रेस द रेशियो इज इम्पॉर्टेंट. अ रेशियो मे बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन. दस द रेशियो 10:3 इज मे बी ट्रीटेड एज 2 आर इक्विवेलेंट इफ द फ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू डैम आर इक्विवेलेंट. दस 3:2 इज इक्विवेलेंट टू 6:4 और 12:8. A ratio can be expressed in its lowest form. For example, ratio 50:15 is treated as its low from hence the lowest form of the ratio 50:15 is 10:3. यानी कि यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि मान लो जैसे कि हमारे डिवीजन में जब आपका कोई डिवीजन आप लिखते हो, मान लो कि डिवीजन है अगर मैं यहाँ पर डिवीज़न लिखूँ कि भाई 50/15, तो मुझे बताओ ये 5 से अगर आपका ये 5 से होगा डिवाइड होगा, ये डेफिनेटली होगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर 3, ठीक है. तो कुछ इसी तरीके से इसे लोएस्ट फॉर्म में किया गया, यानी कि बिगेस्ट फॉर्म क्या था 50:15 और जैसे लोएस्ट फॉर्म में जब उसे 5 से डिवाइड किया गया तो क्या आ गया 10:3, ठीक है. अब समझ में आया स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल आना चाहिए. फॉर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ क्वांटिटीज. दस 3, 10, 15, 50 आर इन प्रोपोर्शन. सिंस वी इंडिकेट द प्रोपोर्शन बाय 3:10, 15:50, इट इज़ रीड एज 3:10 एज 15:50 इन द अबव प्रोपोर्शन. 3 and 50 आर द एक्सट्रीम टर्म्स एंड 10 and 15 आर द मिडिल टर्म्स. ओके, तो बस यही है रेशियो आपका. बट 3, 10, 50 and 15 आर नॉट, सिंस इट्स नॉट इक्वल टू द मेथड विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द यूनिट एंड देन वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द यूनिट इज नोन एज यूनिटरी मैथड. यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेथड होता है. ओके, वेट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड होता है, उसे कहते हैं यूनिटरी मेथड. इसमें क्या होता है, द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ अदर नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड. यानी कि सपोज करो कि कॉस्ट ऑफ 6 कैन का वैल्यू, यानी 6
जो हम कोल्ड ड्रिंक्स की कैन है उसकी जो वैल्यू है 210 रुपये, और हमें फाइंड करनी है 4 कैंस की वैल्यू, वो भी यूनिटरी मेथड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कैन की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, इट इज़ रुपीज़ ऑफ 35। कैसे, फ्रॉम दिस वी फाइंड द प्राइस ऑफ 4 कैन है 35 × 4 और 140। तो क्या किया हमने, तो भाई हमने 210 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक कैन की वैल्यू आउट होगी। तो जब 210 है, इसे अगर आप 6 से करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए, काउंट करो काउंट करो। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 35। ओके, अब जब आपको पता चल गया है कि 35 इसका आंसर है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे 35 × 4। देखो पहले हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड का सिंपल सा मतलब है कि पहले जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि आपको एक कैन का वैल्यू फाइंड करना है, पहले आप किसी एक यूनिट का, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया था कि 6 कैंस है, लेकिन आपको 4 कैंस का आपको बताना है कीमत क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा। तो पहले आपने 1 यानी कि 1 कैन का वैल्यू फाइंड किया, फिर अब आपको जब 1 कैन का वैल्यू मिल चुका है 35, तो अब इसे टोटल नंबर ऑफ कैन जितना आपको फाइंड करना है 4, अब उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 140। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यूनिटरी मेथड को हम यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। ये हो गया आपका यूनिटरी मेथड, और यहाँ पर हमारा ये जो लेसन है ये भी फिनिश हो गया। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर कौन सा स्टूडेंट्स, 13 में आपको बताऊँगा। सो टुडेज इन दिस वीडियो वी विल फिनिश ओवर हियर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।